दोस्तों यदि आप एक टीचर हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा इन्फॉर्मेटिव और इम्पोर्टेंट होने वाला है। यदि टीचर नहीं भी है तो भी आप ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि कभी ना कभी ये वीडियो आपके जरूर काम आएगी। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि हम अपने मोबाइल फोन में फोटोज का पीडीएफ किस प्रकार से बना सकते हैं। मान लीजिए आपको पीडीएफ बनाने की जरूरत पड़ी है, तो हम लोग अपने मोबाइल फोन के थ्रू किस प्रकार से पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं। आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आप उनका फोटो की क्लिक करेंगे, साथ में उसको स्कैन भी कर सकते हैं इस तरीके से जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर फोटो क्लिक करके आप उन्हें स्कैन कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में ही। आपको पता होगा कि जो है कुछ साल पहले तक जो है यदि हम लोग किसी एक डॉक्यूमेंट को स्कैन करवाते थे तो हमें एक स्कैन पर 10 रुपए देने होते थे, राइट। अब ये काम हम आपको भी पता है कि हम ये काम अपन मोबाइल से भी कर सकते हैं। सिंपली एक फोटो हम लोग क्लिक करके अपने मोबाइल से ही उस फोटो को स्कैन कर सकते हैं या फिर उस डॉक्यूमेंट को स्कैन कर सकते हैं, साथ ही उसका एक पीडीएफ भी हम लोग यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ये ट्रिक आप वहां भी यूज कर सकते हैं। मान लीजिए आपको अपने फैमिली फोटोज या फ्रेंड्स के साथ के फोटोज किसी को शेयर करना है व्हाट्सएप पर। व्हाट्सएप पर जब हम लोग फोटोज और किसी को हम लोग शेयर करते हैं तो व्हाट्सएप पर सेंड करते समय उसकी क्वालिटी जो होती है वो डाउन हो जाती है, ये बात आपको भी पता होगी। तो यदि आप चाहें तो पीडीएफ फॉर्म में भी उन्हें सेंड कर सकते हैं ताकि उनकी क्वालिटी जो है एज इट इज रहे, राइट। तो हम लोग कैसे पीडीएफ क्रिएट कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में, आज के इस वीडियो में हम लोग यही सीखने वाले हैं। यदि आप भी सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा यदि आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपनी मोबाइल स्क्रीन पर और जानते हैं ये पूरी प्रोसेस। तो ये आ गया हूँ अपने मोबाइल स्क्रीन पर और यहाँ पर मैंने ओकेन एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लिया अपने मोबाइल में, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर हमें नीचे की ओर जो है आप देख सकते हैं कैमरा आइकॉन है, इस पर हमें क्लिक करना होगा। यहाँ पर हम लोग जैसे ही क्लिक करेंगे तो हमारा मोबाइल का जो कैमरा होगा वो ऑन हो जाएगा। जो भी फ़ोटो आप कैप्चर करना चाहते हैं, जो भी डॉक्यूमेंट का उसका आपको फ़ोटो कैप्चर करना है, मान लीजिए आपको 10-12 फोटोज़ कैप्चर करना है, उसकी पीडीएफ बनानी है, तो अच्छे से उसका फ़ोटो लें। यहाँ पर मैंने आपको एक हाथ से लेकर बताया है, यहाँ पर लाइटिंग वगैरह ठीक नहीं थी तो मैंने बस ऐसे ही आपको फ़ोटो क्लिक करके बता दिया है। आप देख सकते हैं शेडो भी आ रही है पेज के ऊपर, तो आप ऐसा ना करें, आप वहीं पर अपना डॉक्यूमेंट रखें जहाँ पर बिल्कुल भी शेडो ना आए और प्रॉपर लाइटिंग हो पेज के ऊपर। हाथ भी आ रहा है मेरा, उसका मैंने फ़ोटो ले लिया है, तो आप ऐसा ना होने दें। आपको वन बाय वन जो है सारे के सारे फ़ोटोज़ बहुत अच्छे से ले लेने हैं और कैप्चर कर लेने हैं। इसके बाद आप जो है इन फ़ोटोज़ को क्लिक करने के बाद जो है क्रॉप भी कर सकते हैं। क्रॉप करने का क्या तरीका होगा वो भी मैं आपको यहाँ पर आगे बताने वाला हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पर 4-5 फ़ोटोज़ जो कैप्चर कर लिए हैं और यहाँ मैंने इस बुक को साइड में रख दिया है। अब इसके बाद हमें यहाँ पर राइट हैंड साइड में राइट बॉटम कॉर्नर पर जो आइकॉन है इस पर मैंने क्लिक करना है और आप देख सकते हैं सारे के सारे जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो एक क्लिक में जो है स्कैन हो चुके हैं। अब मैं इन्हें रोटेट कर लेता हूँ वन बाय वन जो है स्क्रॉल करके। देखिए यहाँ पर मैं इन पेजेस को रोटेट कर रहा हूँ वन बाय वन और सभी डॉक्यूमेंट्स को हम लोग एक एक बार चेक कर लेंगे कि कहीं ना कहीं हमारा जो है फ़ोटो क्लिक करने में गड़बड़ ना हो गया हो, कोई लाइन या कुछ पेज कट ना हो गया हो। इसलिए अब ध्यान से जब हम फोटो क्लिक करें तभी हमें ध्यान से फ़ोटो क्लिक करना होता है। अब हमें इसे रीनेम करना होगा। ऊपर की ओर आप देख सकते हैं कुछ लॉन्ग नेम लिखा हुआ है, रैंडम नेम दिया गया है, उसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। कैसे हम इसे चेंज करेंगे इसके लिए हम लोग जो है सिंपली क्या कर सकते हैं, ऊपर की ओर जो है आप उसे क्लिक कर सकते हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ अभी क्लिक करके। जस्ट वेट, मैंने ये एरो लिया और यहाँ दिखा देता हूँ। यहाँ पर आप क्या करें, यहाँ पर क्लिक करो, उसके बाद जो है आप यहाँ अपना पीडीएफ फाइल का नाम जो भी रखना चाहते हैं वो आप नाम यहाँ पर सेट कर दें। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर प्रेपोजिशन पीडीएफ, प्रेपोजिशन का यहाँ पर मैंने जो है फ़ोटोज़ क्लिक किए हैं तो मैंने प्रेपोजिशन पीडीएफ लिख रखा इसका नाम, और इसके बाद जो है हम यहाँ पर डन पर क्लिक कर देंगे। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से सारे के सारे पेजेस अपीयर हो जाते हैं और लोड हो जाते हैं। देखिए लोड हो गए सारे के सारे पेजेस। अब हमें यहाँ पर जो है पीडीएफ क्रिएट करनी है तो हम यहाँ एडिट पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, जो कि आप नीचे की ओर देख सकते हैं ऑप्शन आपको दिखाई देगा एडिट पीडीएफ। इस पर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर अपना पीडीएफ का जो पेजेस का ऑर्डर है वो भी यहाँ पर हम चेंज कर सकते हैं। और यदि आप चेंज नहीं करना चाहते हैं तो सिंपली इसे क्या कर देंगे, ऊपर की ओर सेव बटन पर क्लिक करके इस पीडीएफ को सेव कर लेंगे। और आप जो है जैसे इसे सेव करते हैं तो कुछ इस प्रकार से इसी एप्लीकेशन के डैशबोर्ड पर आपको ये पीडीएफ जो है फाइल दिखाई देगी। इसे हम सिलेक्ट करके जो है कोई भी प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं, कोई भी सोशल मीडिया पर शेयर कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं। तो मैंने शेयर पर क्लिक किया, डॉक्यूमेंट शेयरिंग पर मैंने क्लिक किया,
और यहाँ पर शेयर पीडीएफ पर मैंने क्लिक कर दिया है। अब मैं यहाँ व्हाट्सअप सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर जो है मैं अपना जो भी कॉन्टेक्ट पर मुझे सेंड करना है उस पर मैंने क्लिक किया और हम सिंपली इसे इस प्रकार से सेंड कर सकते हैं। राइट, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पीडीएफ फाइल जो है सेंड हो चुकी है। आप चाहें तो इसे क्लिक करके जो है वापस से ओपन करके भी चेक कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर कि किस प्रकार से हम यहाँ पर इसे देख सकते हैं। ये देखिए पूरी की पूरी जो फाइल है हमारे सामने यहाँ पर दिखाई दे रही है। अब यहाँ पर मैं आपको फिर से इस एप्लीकेशन पर लेकर चलता हूँ। इसे आप रीनेम भी कर सकते हैं, जैसे आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो आप इसे चाहें तो रीनेम कर सकते हैं। रीनेम करना चाहें तो नीचे की ओर जो है ऑप्शन दिया गया है, ये देखिए यहाँ पर, और बस इसी प्रकार से आप जो है पीडीएफ फाइल क्रिएट कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इंस्टाग्राम पर आप जरूर सर्च करें मनीष राठौर MP, वहां पर जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और यदि आप कोई मैसेज मुझे करना चाहते हैं तो भी आप वहां पर कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इसी प्रकार के एक और इंटरेस्टिंग और नए वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी हमारे नए वीडियो में। और यदि आप इसी प्रकार से अर्निंग और लर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल पर हमारे साथ बने रहिएगा हमेशा के लिए और हमें सपोर्ट करते रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।